अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, डॉक्टर सुखप्रीत साहब की कुछ वीडियो लैके आए हैं। सानू किसी ने दसिया कि इन्हों को अजकल दौर दे विच ये दूसरे मस्कीन जी है। एक तो पहले मस्कीन जी सी, ये भी एक मस्कीन जी, क्योंकि इन्हों को बड़ा ज़्यादा नॉलेज है। तो अज इन्हों की कुछ बड़ी ज़्यादा इंट्रस्टिंग ऐसी वीडियो है। टाइटल तुम देख लिया होगा, टाइम आप ज़ाया नहीं करा। वट्सअप आंदा, इंस्टाग्राम आंदा, फेसबुक आंदा। फेसबुक जिते मेरे पेज में लाइक करो, वट्सअप से मैं मजीद इदा दीडियो सेंड करो। सो आओ वीडियो स्टार्ट करिए। पिछे जे मैं विदेश के एक दुनिया के बाकी धर्मां दे नाल संबंधित, जिसनों असीं इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस कहने, बहुत धर्मां दे होर भी विद्वान आए हुए सी, उन्हां दे च जाण दा मौका मिलिया। मेरे नाल मुसलमान विद्वान भी सी बैठे, उस्मान साहब मुसलमानों के इमाम ने पंजाब दे विच, भी उत्थे बैठे सी। ते मैं एक गल कही सी उत्थे, मैं कहा कि शेख इब्राहिम ने जिहड़ा दूजा सवाल गुरु नानक साहब नू कीता है ना, उस सवाल का जवाब मैं दावे नाल कहना कि अज भी दुनिया का कोई वड्डे तो वड्डा विद्वान गुरु नानक साहब की बाणी के प्रमाण तो बिना जवाब नहीं दे सकता। दुनिया का कोई वड्डे तो वड्डा विद्वान। सवाल इन्ना औखा है कि अज भी वह सवाल किसी नूं कीता जावे तो उहदा जवाब गुरु नानक साहब की बाणी के प्रमाण तो बिना नहीं दिता जा सकता। वह सवाल की सी? शेख इब्राहिम कहिंदा है, तुसीं भी मुसलमान मत दे कुछ वीरां नूं जाणदे होवोगे, कहिंदा कि साडे विच जदों मास नूं खाण दे वास्ते जीव नूं हलाल कीता जांदा है ना, ते जे हलाल करदिआं कलमा पढ़िया जावे ते फिर असीं उह मास खा सकदे हां, उह हलाल है। जे कलमा ना पढ़िया जावे फिर वह हराम है, फिर असी उस मास का सेवन नहीं कर सकते। कि जे कलमा पढ़िया जावे तो हलाल है, जान तो दोनों हालत जाती है, जीव की जान तो जाती जाती है, पर जे कलमा पढ़िया जावे फिर हलाल है, कलमा ना पढ़िया जावे फिर हराम है, फिर असी उस मास नूं खा नहीं सकते। पर इस्लामी शरा के मुताबिक इंसान नूं चाहे कलमा पढ़ के कतल करो ते चाहे कलमे तो बिना कतल करो, उसका मास नहीं वरत्या जा सकता, उस दे मास नूं पवित्र नहीं गिणिया जाता। उहदा सवाल पता की है, कहिंदा की कोई ऐसा कलमा है, कोई ऐसी तलवार है, कोई ऐसा खंजर है जिस दे नाल मनुख नूं हलाल किया जाए। यह गुरु नानक साहब नूं सवाल है शेख इब्राहिम का, पुरातन जन्म साखी दे विच। एक भाषा विभाग के कोल, लैंग्वेज डिपार्टमेंट पंजाब के कोल 194 नंबर खरड़ा पिया हथ लिखित, उहदे विच भी इस साखी का जिक्र है। वह कहिंदा कि मनुख नूं हलाल किया जाए, किहड़ी तलवार दे नाल किया जाए कि मनुख का कतल हलाल होवे, हराम ना होवे, ते मनुख के शरीर के विचों खून भी निकले ते तलवार की वरतों भी की जाए। हुण इहदा जवाब कौन देवे? बड़े प्यार दे नाल गुरु नानक साहब मुस्कुराए, कहिंदे शेख जी बैठो, मैं तुहानूं इसका जवाब दिंदा। सलोक महला पहला, गुरु नानक सच्चे पातशाह ने पावन बाणी दे जो शब्द नूं दर्ज किया है, कहिंदे शेख जी सब तो पहला तो हलाल करन दे वास्ते तलवार की जरूरत है। पहला मैं तुहानूं तलवार बनाउण दा तरीका दसदा। कहिंदे सच की काती, काती शब्द संस्कृत दे विचों आवे, इसका अर्थ है कैंची। से सिर काती मुनियन गल विच आवे तूर, ते काती शब्द ही जेकर परशियन दे विचों आवे इसका अर्थ बन जांदा खंजर। कल काती राजे कसाई, कसाई का खंजर। कहिंदे एक खंजर एक तलवार तैयार करो, सच की काती, सच सब सार, सार कहा जाता लोहे नूं। कहिंदे सच का लोहा लै लो ते सच का खंजर तैयार करो, एक तलवार तैयार करो। घाड़त तिसकी अपर अपार, बड़े प्यार दे नाल सच ते प्रेम दे नाल एक तलवार तैयार करो। हुण जदों तुसीं तलवार तैयार कर ली, उहदी घाड़त तां घड़ी गई, घाड़त तिसकी अपर अपार तुसीं शेप दे दित्ती, आकार दे दित्ता, अगली गल आ उसनूं तिख्या करना है। कहिंदे फिर शब्दे साण रखाई लाए, फिर शब्द दी साण दे नाल उसनूं तिख्या करो। सच की तलवार शब्द के नाल तिखी करो, तुहाडे बोलां दे विच सच होवे ते उस सच का आधार शब्द होवे, फिर उहदा विखावा ना करदे। फिर उह गुण के थैके, मुल्तानी भाषा च थैका कहा जाता म्यान नूं, गुण के थैके विच समाए, फिर उसनूं गुणा दे म्यान दे विच पा के रखो। तलवार बन गई जी, सच का लोहा,
सच की तलवार शब्द की धार ते गुणा दा म्यान इसका कुठा होवे शेख फिर बंदे दे उपर उस सच और शब्द की तलवार का वार करो लब लहू निकथा वेख बंदे दे जिसम दे विचों विकारां दा लहू निकल जाएगा ये कतल हलाल होवेगा बंदा मन मुख तो गुरमुख बन जाएगा। हाय 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 क्या बात है यार जबरदस्त सत श्री अकाल। हुण जरा ख्याल करियो कि इस सवाल का जवाब कोई अज का विद्वान दे सकता गुरु साहब की बाणी के प्रमाण तो बिना नहीं दिता जा सकता। मैं बहुत धर्मां दे विच इस पक्ष का अध्ययन किया ते गुरु नानक साहब ने करके विखाया। तारीखे अरब दे विच एक कहानी आउंदी है मैं गुरु साहब की वार्तालाप तो पहला संकेत वजो तुहाडे नाल सांझी करना चाहुंदा। इस्लाम दे विच एक बहुत मशहूर फकीर होए ने फजील बिन अयाज। जिन्ना वह मशहूर फकीर होया है उस तो पहला उन्ना ही वह खूंखार डाकू सी। अरब दे इलाके दे विच उसका डाकुआ का एक पूरा ग्रोह सी और हर आउंदे जांदे काफले नूं लुटदा सी। लुटना गल होर हुंदी है वह लुटदे नाल नाल हर बंदे नूं कतल भी करदा सी। कदी किसी काफले का व्यक्ति वह जिउंदा नहीं सी जान दिंदा। ते जदों उहदे इलाके दे विचों काफला लंघन लगदा सी ते काफले का सरदार उच्ची आवाज़ दे विच कहा करदा सी कि अपना रस्ता बदल लो फजील बिन अयास का इलाका आ गया। एक दिन एक काफले दे उपर हमला किया काफले दे लोकां नूं कतल कर रहा है नाल लुट रहा है। आखिरी काफले का सरदार बचा बड़ा बजुर्ग सी। जदों शमशीर दे नाल उसका सिर धड़ तो जुदा कर लगा तो उसने एक हाथ किया कहिंदा फजील मैनू मौत तो डर नहीं मैनू पता तू मैनू मार देना पर मेरी एक इच्छा है कि तू मरन तो पहला मेरी एक इच्छा पूरी कर सकता है। फजील ने सोचा बजुर्ग है साडा डाकुआं दा गैंग इन्ना वड्डा ग्रोह ये कड़ा अगे भज सकता है जे इच्छा पुछ भी ली जावे तो की है। उसने कहा हाँ दस तेरी इच्छा की है कहिंदा मेरे माल असबाब की पोटली दे विच जिन्हों तू खजाना समझ रहा है ना उहदे च मुकद्दस कुरान शरीफ पई है मैनू मरन तो पहला एक बार मुकद्दस कुरान शरीफ पढ़ लैण दे। उसने कहा ठीक है पढ़ लै। उसने अपनी पोटली नूं खोलिया ते विच्चों मुकद्दस कुरान शरीफ नूं खोलिया। कुदरतन जदों उसने खोलिया ते मुकद्दस कुरान शरीफ दीआं 114 सूरतां दे विच्चों सूर अल असरा खुल गई ते जिहड़ी उहने आयत पढ़ी ना उस आयत दा अर्थ पता की सी ऐ मनुख तू जिंदगी च बड़े गुनाह कीते होणगे बड़े गुनाह कीते होणगे पर जे तू मरन दे वक्त भी ईमानदारी दे नाल ईमान दे नाल अपने खुदा दे अगे तौबा कर लवे ना ते खुदा तेनू माफ कर सकदा। हाय 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 क्या बात है। उसने ए सूरल असरार नूं पढ़िया मुकद्दस कुरान शरीफ नूं बंद कीता कहिंदा फजील हुण कतल कर दे हुण कोई गल नहीं मैं अपनी पाक किताब दे दीदार कर ले ने मैं अपने खुदा दे दीदार कर ले ने हुण कोई गल नहीं हुण फजील दे कोलों कतल नहीं हो रहा हुण तलवार म्यान दे विच पा ली। कहिंदा है बजुर्गा तू तो शायद जिंदगी दे विच कोई गुनाह ना कीता होवे ते तू भी अपने खुदा दे कोलो गुनाहां दी तलाफी दी गल कर रहे हैं मैं तो जिंदगी च कीते गुनाह ने खुदा मैनू कदों माफ करेगा छड दित्ते कतल करने दरवेश बन गया। उही फजील जिहड़ा एक डाकू सी वह फजील बिन अयाज नां दा दरवेश बन गया। वक्त बीतिया लोगों नूं नहीं सी पता एक काफला लंघ रहा है ते काफले दे सरदार नूं नहीं सी पता कि फजील हुण लुट मार कतलो गार ते छड चुका है। उच्ची आवाज च कहिंदा है कहिंदा मेरे काफले दे लोको रस्ता बदल लो अगे फजील बिन अयास दा इलाका आ गया है वह कतल कर देवेगा। फजील झुग्गी दे विच्चों बाहर निकलिया ते उच्ची आवाज दे विच कहिंदा है कहिंदा तुहानू रस्ता बदलन दी लोड़ नहीं हुण फजील बिन अयास का रस्ता बदल गया है जिहड़ा फजील लोकां नूं कतल करदा सी उसनूं मुकद्दस कुरान शरीफ ने कतल कर दिता। सो वीवरस ये अज की वीडियो यार वाकई मैनू तो आप डॉक्टर सुखप्रीत इन्हों का नाम मैनू तो आप सुन के बड़ा ज़्यादा मज़ा आया वै कि इन्हों वाकई इन्हों नॉलेज बड़ा एक एक हरफ मतलब कि एक एक हरफ की जिम्मेदारी के नाल गल करते हैं
गुरबाणी की गल करते हैं किसी भी चीज़ की, मतलब कि अगर कुराने पाक की गल करते हैं या गुरबाणी की गल करते हैं, एक एक हरफ की पूरी जिम्मेदारी गल करते। कोई बंदा इन्हों नहीं कह सकता कि तुम गलत पढ़न दे जे या लोगों तुम मतलब कि जरा पुट्टे रस्ते लाने दे जे, नहीं इस तरह नहीं कोई बंदा कह सकता, वाकई जिम्मेदारी गल करता। तो जी इन्होंने पहला वाकया सुनाया वेद वाकई एक हकीकत है, बाबा गुरु नानक देव जी ने आके कोई तलवार नहीं चलाई, कोई उन्होंने आके कोई जड़ा होंगे ना कोई लुटमार नहीं की। मेरा कहने का मतलब मैं कुछ जबान से मैं लफ्ज़ नहीं अच्छे बोलन दिया, लेकिन सिर्फ मैं गल करने वास्ते उन्होंने कुछ आके कुछ इस तरह के काम नहीं किए जिदा लोगों के दिल दिल खराब होन। उन्होंने आके प्यार मुहब्बत के सारे तुसी आपस बवो, मुसलमान भी रहन सिख भी रहन हिंदू, सिख तो है नहीं कि मुसलमान भी रहन हिंदू भी रहन, ये जदों रहनगे इत्थे सलूक होएगा। एक बाबा गुरु नानक देव जी की एक सोच सी उन्होंने, इस करके अज भी गुरुद्वारे दे जिदा श्री हरिमंदर साहब वो अज भी चार दरवाजे है, अज भी कोई मतलब कि जिस तरह करतारपुर बार्डर है मतलब कोई भी अपना गुरुद्वारा वै वो चार दरवाजे रखे जाते हैं कि उत्थे मुसलमान भी आवे, उत्थे सिख भी आवे, उत्थे मतलब कि उत्थे हिंदू भी आवे, सारियां नू मतलब कि बराबर दा उत्थे सेवा खाना पीना, मतलब कि जाके मुसलमान जाके उत्थे अपनी इबादत भी करे। एक मैं तुहानू गल दस्सां, ये मुसलमाना दी मस्जिद विच असीं ये काम नहीं कर सकते, हिंदुआं दे मंदिर विच जाके मुसलमान इस तरह नहीं कर सकता, लेकिन एक वाहद जगह ऐसी है पूरी दुनिया दे विच उस सिखां दा गुरुद्वारा विच जिथे जाके तुसीं भावें नमाज़ पढ़ लो, भावें तुसीं जाके उत्थे कुरान मजीद पढ़ लवो, भावें तुसीं उत्थे गुरबाणी सुन लवो, मतलब कि तुसीं जाके जिस तरह भी जाओ ये एक वाहद जगह जिथे बंदा जाके सुकून हासिल करता वै। तो ये चीज़ा मतलब कि जिते जाके बंदे नूं जाके नज़र आउंदियां ते मिलदियां भी हैं। तो ये गल वाकई हकीकत है कि जिहड़ी ये तलवार है ना जिहड़ी प्यार दी जिहड़ी जिहड़ी बाबा गुरु नानक ने चलाई है जिहड़ी हक दी तलवार है, ये जदों चल जाए तो बड़े बड़े लोग बड़े बड़िया चीज़ा के दिल हिल जाते हैं, ये कोई शक नहीं। दूसरा वाक्य जिहड़ा इन्होंने सुनाया वो उन्होंने साडे कुराने पाक चो सुनाया कि कुराने पाक के बच्चे मतलब कि इस तरह का सूरत इसरा इसरा की आयत पढ़ी तो वो डाकू का दिल भी बदल गया। मैं कहना कि यार गुरबाणी वाली का तो मैनू मज़ा आया वै, लेकिन जी इन्होंने साडे धर्म की मैनू जी गल सुनाई ना मैनू तो वो वाकई इन्हों के मूँह सुन का स्टैल वो मूँह सुन का जी इन्होंने जेडे तरीके इंज सुनाई है कि जिस तरह मेरी अखा के सामने गल आई है गुरबाणी की भी जिस तरह बाबा गुरु नानक देव जी की जिदा इन्होंने गल सुनाई है इस तरह सुनाई है कि जिदा सामने कोई मतलब कि कोई LCD लगी तो बंदा वो वेखन दिया, एडा मतलब कि इन्हों को नॉलेज एडा ज़्यादा इलम है। तो मैनू वाकई सुन के बड़ा ज़्यादा बहुत ज़्यादा मज़ा आया वै। तो सो वैसे मेरी एक अपनी राय से मेरे एक अपने दिल के जज्बात से तड़ा ही ख्याल है तड़े की जज्बात है तुम थले कमेंट बॉक्स में लाजमी दसो। ये अज की वीडियो मिलेंगे तुम्हें अगली वीडियो वास्ते, इजाजत चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।